वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है, तो वही हम लोग ले रहे हैं, सफ़र का मज़ा खाते पीते हुए चलते हुए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो गाइज आ गई है सबसे पहली वाटर क्रॉसिंग। ओ हो हो, बहुत खतरनाक है यार ये तो। अबे यार, अबे बेबी, ये तो बहुत खतरनाक थी यार वाटर क्रॉसिंग। तो भाई हम लोग जैसे ही पहली वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करके आगे बढ़े हैं, बहुत ही बढ़िया रोड है यार, एकदम मज़ा ही आ गया यार। ये तो ऐसा तो कहीं नहीं देखा यार, इतनी बढ़िया रोड। पहली बात तो भीड़ नहीं है, गाड़ी एक दो चल रही है सिर्फ, और आप बस घुमाते जाइए, नचाते जाइए और चलते चले जाइए, है ना। लेकिन रोड पर ध्यान देना है क्योंकि खतरनाक है, ऊँचाई पर है भाई, लग नहीं रहा है, बहुत ऊँचाई पर हम लोग इस समय। और गाइज़ ये देखिए, सबसे पहला हमें ये देखिए वाटरफॉल मिला है, ये इधर ये हो रहा है वाटरफॉल, और ये छोटी सी एक आ गई है हमारे सामने वाटर क्रॉसिंग। लेकिन जो आगे हम लोगों ने वाटर क्रॉसिंग अभी करके आए हैं, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है फिलहाल, ये निकालते हैं यार। अगर ऑफ रोडिंग गाड़ी हो ना तो बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ा सा नीचे से टच होने का डर रहता है, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पर निकले हम लोग आपको बढ़िया सा नज़ारा दिखाने के लिए। ये देखो, ये सब बर्फ़ जमी है इधर, और ये रोड पे हम जा रहे हैं। पहाड़ी देखो यार कितनी ऊंची है भाई, ये तो अलग ही है यार, एकदम सीन बहुत बढ़िया यार। ये लोगों के घर बने, बहुत ही कमाल का है यार, इधर भी घर बने ऊंचाई पे, ये देखो सब घर बने, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यार यहाँ का, वाह। तो फोटो वीडियो तो हमारा हो गया है, अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है यार। ट्रक बहुत चल रहे हैं इस रोड पर, ये देखो एक ट्रक आ रहा है इधर से, बहुत ट्रक चल रहे हैं। चलो निकला जाना, चलो निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे बहुत लोग साइकिलिंग कर रहे हैं इस समय, और यार बड़ा मेहनत पड़ती होगी ऐसी जगह पे साइकिल चलाने में। ये सब लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, देखो आगे यार पूरी टीम जा रही है इनकी, कहीं लग रहा है अभी और भी आगे बहुत सारे लोग हैं। और गाइस सामने हमको नज़र आने लगा है बर्फ़ का पहाड़, इतना बड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे बहुत बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, सूरज की धूप उसके ऊपर पड़ रही है तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है, वाइट वाइट पूरा लग रहा है यार, बहुत ही कमाल का है। अभी आगे जाके कहीं पर रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे बढ़िया से। भाई यहाँ जिस रोड पर हम चल रहे हैं अभी ले के लिए, तो यार बहुत ऊँची रोड है, और नीचे रेलिंग भी नहीं है, हर जगह पर नहीं है, देखो बहुत ही ख़तरनाक है यार। यहाँ पर ओवरटेकिंग करना तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। रोड बढ़िया है, मतलब गाड़ी एकदम फ्लो में जा रही है, लेकिन साइड में रेलिंग नहीं है, देखो उधर ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि ज़रा सा भी अगर आप चूके तो फिर कुछ कह नहीं सकते उसके लिए कि कहाँ आप जाके रुकेंगे। सामने बहुत ही बढ़िया बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं यार, ओहो। तांडी यहाँ से 20 किलोमीटर बचा है, और तांडी में हमें अपना टंकी भी फुल करा लेंगे, जितना भी टंकी खाली हुई है पेट्रोल की वो भी भर जाएगी, और जो हमारे पास कैन है वो भी भर जाएगा, उसके बाद में निकलेंगे ले के लिए। यार ऐसी रोडें मिल जाए तो क्या कहना, थोड़ा सा खतरनाक तो है लेकिन बहुत ही बढ़िया है यार। भाई यहाँ से तांडी बचा हुआ है सिर्फ 13 किलोमीटर, और रोड तो एकदम मक्खन है यार, एकदम मक्खन, देख लो एकदम भागते चले जाना बस इस रोड पर, ऐसी रोडें हैं। और यहाँ के जो टर्न है ना वो भी बहुत अच्छे हैं, पूरा स्टीयरिंग घुमाना नहीं पड़ रहा है, हल्के से स्टीयरिंग घुमा के काम चल जा रहा है, मतलब ज़्यादा एकदम से यू टर्न वाली मोड़े नहीं है यहाँ पे, बहुत बढ़िया मोड़े हैं। और रोड भी यार कमाल की यार, ऐसी रोड अगर हो तो मज़ा ही आ जाए यार पूरा। तो भाई गाड़ी यहाँ पे हमने साइड में लगा दी है चाय के लिए, चलो चाय पीते हैं चल के। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे तांडी से 10 किलोमीटर पहले रुक गए हैं कुछ नाश्ते के लिए, चाय और मैगी ऑर्डर की है, अभी आ रही होगी। और बढ़िया है, जगह भी बढ़िया है यार, लोकेशन भी अच्छी है यहाँ पे।
भाई यहाँ की मैगी और चाय एकदम कमाल की है। मतलब जब से लखनऊ से निकले हैं इतनी बढ़िया चाय, अभी तांडी से पहले 10 किलोमीटर पहले रुके हैं वहीं पे मिली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम तांडी पहुँचने वाले हैं, 10 मिनट और लगेगा तांडी के लिए, और हमारा जो सैचुरेशन है वो 90-91 में रुक गया है। मतलब धीरे धीरे यहाँ से कम होता जाएगा, जो चीज़ 98 आती है वो 91 आ रही है सिर्फ अभी यहीं पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही रहेगा। तो भाई लोग यहाँ पे चाय पराठा और मैगी खाने के बाद में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे तांडी। तांडी यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर बचा होगा और वहाँ पे जाके हमें पहले पेट्रोल भराना रहेगा, उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो भाई अभी हम लोग तांडी नहीं पहुँचे, फिर से हमें बढ़िया नज़ारा मिल गया, रुक गए दिखाने के लिए आपको। यार यहाँ तो हर जगह ही अच्छा है यार, आगे चलने का मन ही नहीं करता है, क्या बताएं यार, बहुत बढ़िया है। ये देखो नदी इतनी तेज़ बह रही है, ये देखो इसकी आवाज़ सुनो ज़रा, ये इधर जा रही है और ये ऊपर बर्फ़ है, ये देखो इधर उधर बर्फ़ जमी है, बहुत बढ़िया यार, हर जगह इतने बढ़िया सीन है यार, क्या बताएं। ये देखो इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं, बहुत कमाल की जगह है यार, बहुत ही कमाल की जगह है। ये सब पहाड़ी को काट के रोड चौड़ी करी जाती है, देखो सब बने हुए हैं, कटे हुए निशान बने हैं, इसको काट के रोड चौड़ी करी जाती है। धूप निकल आई है बढ़िया, और लेकिन फिर भी हल्का हल्का ठंडक है, अभी इतना ठंडा है कि हल्का सा स्वेट शर्ट पहन के काम चल जा रहा है बढ़िया सा। और ये भाई साहब तुम्हारे स्वेट ही पहने हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। अब तो हम जान गए कि हम एक दिन में लेह लद्दाख यहाँ से नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जगह जगह पे हम रुक के जाएंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे। लेकिन भाई यही रोड का ही तो मज़ा है, रोड ट्रिप का ही तो मज़ा है, वहाँ पहुंचेंगे तो अलग बात है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा होता है, तो वही हम लोग ले रहे हैं, सफ़र का मज़ा खाते पीते हुए चलते हुए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल। तो भाई ये वाला जो पेट्रोल पंप है तांडी में, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। इसके बाद में हमने सुना है कि 365 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भरा ले रहे हैं। गाड़ी है कि आगे लगी, उसके आगे गाड़ी लगी है, तो अभी ये इनका हो जाए फिर हम लोग भराते हैं। थोड़ा ही आएगा उसमें, जैसे है पहले से। अभी ज़्यादा नहीं चली है वैसे, फुल हो गया, इतने में आ गया, जितना आया उतना डाल दीजिए इसमें। वैसे देख के 414 रुपये का आ गया, आ रहा अभी जितना आ जाए उतना डाल, हो गया, बाकी इसमें फुल कर दूंगा। भाई गाड़ी में तो हमारा पेट्रोल थोड़ा सा आया है, 4 लीटर मुश्किल से, क्योंकि पहले से था